तो इस साल सत्र 2022-23 में अगर आप क्लास 9th या 11th में पढ़ रहे हैं, आप इस साल पास होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं, या आपके कंपार्टमेंट आने वाली है, कौन से सब्जेक्ट में आएगी, ये भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सत्र 2022-23 के लिए डिपार्टमेंट ने पास प्रमोशन पॉलिसी जारी कर दी है। उसके बाद से ही बच्चों के इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे मैसेजेस, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप से जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, तो लगातार आपके डाउट्स कमेंट्स आते हैं, लेकिन कमेंट्स का जवाब बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आप खुद ही क्लियर हो जाओगे। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर पहली बार हमसे जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहती है। और भैया वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर लेना। तो यहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम हुए थे वो दो तरीके से हुए थे, एक को हम मिड टर्म कहेंगे, दूसरे को हम फाइनल कहेंगे, एंड तीसरे को हम इंटरनल असेसमेंट कहेंगे। ये आपका इस तरह से मार्क्स का हिसाब रहेगा, है ना। हालांकि ये इस तरह से पिछले साल नहीं था। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा पार्ट है आपके लिए जो आपका क्लियर रिजल्ट बनाता है, बनाएगा इस बार। पिछली बार डिपार्टमेंट ने जो पास प्रमोशन पॉलिसी रखी थी उसमें बहुत छूट दी थी, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे यूं ही पास हो गए। और नतीजा इस साल डिपार्टमेंट देख रहा है कि सीबीएसई में बच्चे अपना नाम तक नहीं लिख पा रहे, मतलब सारे बच्चे पास हो गए। तो भैया डिपार्टमेंट पिछले बार के पॉलिसी से इस बार सख्त हो गया है, और इस बार उसने तगड़े जो रूल है ना, पॉलिसी वो बना दी है। उसे समझना आपको बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो पैटर्न ये है, ठीक। और जो नेक्स्ट ईयर 10th होने वाली है, यानी अगर आप इस समय 9th और 11th में पढ़ रहे हो, तो अगले साल 10th और 12th स्मार्ट बनेगी। कोई ऐसे बच्चा पास नहीं होगा जो 10th और 12th के लायक ना हो। देखिए, ये आपका मिड टर्म है, सबका हुआ है, ये फाइनल एग्ज़ाम है, सबके हो रहे हैं, हो गए होंगे कुछ, तो ये इंटरनल असेसमेंट है। फिलहाल हम इसको रखते हैं साइड में, ठीक है। इन तीनों को मिला करके ही बनेगा आपका रिजल्ट। लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका फाइनल एग्जाम। ये आपका किस किस कितने कितने नंबर का था, तो कन्वर्जन इसका रहा है, यानी कि आपका 80 नंबर का ये वाला था, 80 नंबर का ये वाला था, और 20 नंबर का ये था। कुछ में 11th वालों में ये 30 नंबर का भी है, जिसमें प्रैक्टिकल वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये भी आपका कन्वर्ट होके मार्क्स लगेगा, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि कितना कन्वर्ट इसका लगेगा, और ये भी आपका कन्वर्ट होकर के ही लगेगा। ये जो 20 और 30 मार्क्स है ना, ये आपको एज इट इज मिल जाएंगे, इसमें आपको कोई कन्वर्जन नहीं रहेगा। और यस, ये जो 20 और 30 मार्क्स है ना, ये अच्छे बच्चों को मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे बच्चे अगर आप हैं, नॉर्मल भी हैं, तो आपको एक एवरेज मार्क्स मिल जाते हैं ये 20 और 30 वाले। फिलहाल हम बात करते हैं कि वो कौन सा फैक्ट है जिस पर आपका रिजल्ट टिका है। तो एग्ज़ाम तो आपने लगभग दे दिए होंगे और दे रहे होंगे। अब यहाँ पर आप मान लो तीनों के आपके मार्क्स जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिपार्टमेंट ने इस बार रखा है कि आपको तीनों को जोड़ने के बाद आपका रिजल्ट बनेगा, और उसमें ये तो क्लियर है कि 33% आपका आना जरूरी है, ठीक है। ये 33% तो लगभग हर बार रहता है। इस बार जो चेंज किया है वो ये है कि पिछले साल जो आपका 15 नंबर का ग्रेस मार्क्स मिल रहा था, आपको 15 नंबर की छूट मिल रही थी, अगर आप एग्ज़ाम में किसी में रह रहे हैं तो आपको 15 नंबर मिल रहे थे, और यही 15 नंबर जो है ना, बहुत सारे बच्चों की नैया इसने पार लगा दी, बच्चे पास हो गए। लेकिन इस बार 15 नंबर से घटा करके इसको कर दिया ग्रेस मार्क्स को 10, यानी कि ग्रेस मार्क्स आपको 10 ही मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझे, ये 10 मार्क्स भी सबको नहीं मिलेंगे 10 मार्क्स। 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स किनको मिलेगा और कौन सा बच्चा पास होने वाला है, तो सब कुछ डिपेंड करेगा आपका फाइनल यानी कि एनुअल एग्ज़ाम। चाहे आपके कितने भी मार्क्स आ जाए,
इसमें आपके कितने ही मार्क्स क्यों ना आ जाएं, इंटरनल असेसमेंट में, मिड टर्म में आपके चाहे पूरे मार्क्स क्यों ना आ जाएं, 80 में से 80, 50 में से 50, 30 में से 30 भले ही आपके आ रहे हो, लेकिन इस बार जो रिजल्ट बनाएगा ना वो है आपका एनुअल एग्जाम। अब समझिए, यहाँ पर एनुअल एग्जाम में डिपार्टमेंट ने क्लियर कर दिया है कि जिस भी बच्चे के 25% से कम मार्क्स रहेंगे वो बच्चा पास नहीं होगा। और अच्छे से समझो थोड़ा सा, 25% का क्या सीन है। 80 नंबर का आपका पेपर है, ठीक, 80 नंबर में से आपका जो 33 है, 80 का अगर हम 80 का कन्वर्जन लगाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, ध्यान से समझे, मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। 80 नंबर का जो आपका फाइनल एग्जाम है, ये ध्यान रखना, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मिड टर्म एग्जाम भूल जाइए फिलहाल। फाइनल एग्जाम में अगर 80 नंबर में से आपके 33 तो हो गए 28 नंबर के करीब, 27.5-28 होते हैं, इसे 28 मान लिया जाता है। 80 नंबर का 25% रहेगा, वो रहेगा लगभग लगभग 23-24 नंबर। अब आप यहां पर क्लियर समझ जाइए कि अगर आपके 80 यानी कि फाइनल एग्जाम में 25% मार्क्स नहीं आए, अगर आपके किसी भी एग्जाम यानी कि प्रत्येक एग्जाम में 23-24 नंबर आपको मिनिमम लाने ही लाने हैं, अगर आपके 23-24 नंबर आ जाते हैं, मिनिमम 23-24 नंबर अगर आपके आते हैं, तो ही आपको जो 10 नंबर का इस बार आपको ग्रेस मार्क्स मिलने वाला है, वो 10 नंबर का तभी मिलेगा जब आप 25% मार्क्स मिनिमम लेकर के आ जाओगे, और तभी जाकर के आपके जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं यानी कि जो 20 या 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल वगैरह के मिल रहे हैं, वो उसके बाद ही इसमें जुड़ेंगे और उसके बाद ही आपका ओवरऑल रिजल्ट बनेगा। फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, रिजल्ट आपका 33 में ही होगा। अगर आपके 30% मार्क्स आ जाते हैं, 31 आ जाते, 32 आ जाते, तो आप फेल हैं। ओवरऑल आपको 33% ही लाने हैं, लेकिन 33 तो आपके आ जाएंगे अगर आपके 25% मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में आते हैं, से ज़्यादा आते हैं। तो अब आप समझ जाइए कि आपके जो भी एग्ज़ाम हुए हैं या जो हो रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम में, उसमें आपके 25% यानी कि 80 में से 23-24 नंबर तो हर एक एग्ज़ाम में आने ही आने चाहिए। अगर आपके 23-24 नंबर नहीं आते हैं, तो ना ही आप इस ग्रेस मार्क्स का फ़ायदा ले पाओगे, और ना ही आप 20 और 30 जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपको मार्क्स मिलेंगे। सपोज़ कीजिए आपके यहाँ पर 20 नंबर आते हैं, ठीक है, क्योंकि 20, 23 और 24 नंबर में 25% होते हैं, आपके यहाँ पर 20 नंबर आ गए, आपको यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट है वो मान लो मिल गए आपको 15, ठीक है, 20 नहीं मिले आपको, 15 मिल गए, तो 20 और 15 कितने हो गए आपके, 35 नंबर हो गए, ठीक है, आपको लाने कितने थे, 33, लेकिन आप फेल हैं। क्यों हैं फेल, ध्यान से समझे, फेल क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके 25% मार्क्स नहीं आए, राइट, समझ जाइए आप। तो आपके 20 और 30 नंबर ये तभी लगेंगे जब आपके 25% मार्क्स आए होंगे, और इसी के साथ ही अगर आप 25% मार्क्स में मान लीजिए आपके इंटरनल असेसमेंट में यहाँ पे 15 ना लग करके आपके यहाँ पर 10 लग गए, अब समझिए 20 और 10 आपके हो गए 30, रिजल्ट आपका बनेगा 33 में, और आपके यहाँ पर अगर पूरे नंबर आ जाते हैं तो आपके ग्रेस मार्क्स भी मिल जाएगा, ये इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी मिल जाएंगे, एंड मिड टर्म एग्ज़ाम के भी जुड़ेंगे, और आपको इस तरह से ओवरऑल आपका रिजल्ट बनेगा। तो ये था मार्क्स का कन्वर्जन, बेसिकली आपको 25% मार्क्स लाने ही लाने हैं, उसके बाद ही आपका ओवरऑल रिजल्ट बनेगा। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो 25% 80 में से हैं वो वापस कन्वर्ट होकर के मार्क्स लगेंगे, लेकिन 80 में से आपको 24 मार्क्स लाने ही लाने हैं, उसके बाद ही आपका ओवरऑल रिजल्ट बनेगा। मिड टर्म के मार्क्स जुड़ेंगे, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जुड़ेंगे, ग्रेस मार्क्स आपको तभी मिलेगा उसका फ़ायदा,
तभी होगा। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में डाउट है जिसमें आप 80 में से 23 या 24 नंबर आपके आने मुश्किल हो रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयरिंग कीजिए अपने दोस्तों को, और अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।